उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर में गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में भाजपाइयों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के पुतले को आग के हवाले कर दिया। विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता गदरपुर शिव मंदिर में एकत्रित होकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के पुतले को नगर क्षेत्र में भ्रमण कराते हुए पुतला दहन कर दिया। इस दौरान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकाने से 350 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि एक राज्यसभा सांसद के पास इतना सारा पैसा है तो दूसरे कांग्रेस नेताओं के पास कितना होगा। 70 सालों में कांग्रेस ने पैसा ही कमाया है, उन्हें देश की कोई चिंता नहीं थी। बहुत आक्रोश है, पंचों फिर भी अभी अपनी लाभ। तो आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले यह देश विकासशील देश नहीं होता, यह देश विकसित राष्ट्र होता, जो मोदी जी की आज कल्पना है और जिसका प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती गई लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, जिसका सबूत है कि कांग्रेस के जो सांसद हैं वो कई बार जनता के बीच में चुनाव लड़ने गए, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, 3-3 बार उनको टिकट दिया लेकिन जनता ने उनको नकारा कि ये बेईमान लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, ये जीतेंगे तो देश को खोखला करेंगे। इस नाते जनता ने अपना जनादेश कभी उनको नहीं दिया, लेकिन जब चुनाव नहीं जीत पाए तो कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा में सांसद बना के भेज दिया और आज परिणाम ये है कि देश की नोट गिनने वाली जितनी मशीनें हैं वो मशीनें गर्म होकर थक गई हैं, भूख गई हैं, लेकिन नोटों की गिनती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।